तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आगरा वाली सीरीज को। और अभी सबसे पहली वीडियो आपको दिखाते हैं, हम अपने गांव से आगरा जा रहे हैं। तो सबसे पहली वीडियो में आपको दिखाते हैं अपने गांव से आगरा जाने वाली रास्ते की वीडियो। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे आपको इस सीरीज की खूब सारी वीडियो मिलेंगी। ये हमारे गांव से करीब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद ग्वालियर रोड आ जाता है, मेन ग्वालियर रोड जो आगरा की तरफ जाता है। और ये हम हैं आगरा से करीब 10 किलोमीटर पहले, वो मोड़ है अपने गांव से आके जब हम ग्वालियर रोड में मिलते हैं तो वो 10 किलोमीटर पहले पड़ता है आगरा से। अब हम इस मोड़ से आके ग्वालियर रोड पर आगरा की तरफ चल रहे हैं। ये हम आ गए मेन जो आगरा माइनर का चौराहा है, ये हाईवे, ये बाईपास है जो आगरा से पहले ही जो आगरा मेन कैनाल है उसके किनारे किनारे होते हुए और आगरा को बाईपास के थ्रू पार करके और दिल्ली हाईवे में जाके मिल जाता है रुनकता पर। इससे निकल के आगरा बच जाता है और सीधे दिल्ली हाईवे पर पहुंच जाते हैं। उससे आगे अभी हम फिर आगरा की तरफ चलते हैं उसको क्रॉस करने के बाद। ये रोहता चौराहा है और ये कभी आगरा से बहुत दूर गांव हुआ करता था। अभी आगरा की जो सीमा है वो लगभग यहीं से लग जाती है, यहीं से ये मानिए आप आगरा शहर शुरू हो जाता है। ये है आगरा का मौसम विभाग का ऑफिस और इससे सटा हुआ ही ये है 509 आर्मी बेस वर्कशॉप। ये बुंदू कटरा इलाका आ जाता है। ये भी कभी आगरा से थोड़ा बाहर दूर गांव हुआ करता था। Thank you.
है आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने। ये आगरा का स्टेडियम है जिसका नाम है एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम। सदर बाजार में स्थित है, आगरा के सदर बाजार में है ये एकलव्य स्टेडियम। और दूसरी साइड है इसके आर्मी पैरा की यूनिट, और ये है आगरा क्लब का ग्राउंड। स्टेडियम से ही सटा हुआ है, बहुत ही पुराना है ये आगरा क्लब लिमिटेड। तो दोस्तों ये थी हमारी आगरा आने तक की यात्रा, उसकी वीडियो। अब आगे हम आपको दिखाएंगे आगरा की अलग अलग फेमस जगह हैं, यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, और यहाँ की छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिखाएंगे लगातार बहुत सारी वीडियोस में। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, खूब लोगों से सब्सक्राइब करवाइए जो जो घर बैठे ये आगरा की यात्रा करना चाहते हैं। धन्यवाद, खूब सारा दुआ और प्रे कि आप इस कोविड के समय में ठीक रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।